हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अमान। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं गाड़ी का जो है एक बहुत ही अच्छा एक्सेसरी और गैजेट कह सकते हैं आप इसे। आई होप ये क्वालिटी प्रोडक्ट हो। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको मैं इसकी रियल टेस्टिंग अपनी कार में इसको इक्विप करके दिखाऊंगा और इसको लैपटॉप या अपना कैमरे की बैटरी वगैरह चार्ज करेंगे। 150 वॉट का ये कार डीसी इन्वर्टर है, आप इससे चीज़ें चार्ज कर सकते हैं। अनबॉक्सिंग के साथ साथ अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल में तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। वॉट कार इन्वर्टर मेड इन चाइना। ये मैंने ऑर्डर किए ऑटोजेन, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और ये मुझे 2000 रुपीज का विद डिलीवरी पड़ा है। इसका साइज इतना है और ये इसका ये कूलिंग फैन लगा हुआ है, ये इंडिकेशन लाइट और इधर आप अपना जो भी है डाल सकते हैं। इधर यूएसबी भी एक्सटर्नल दी हुई है, तो लेट्स टेस्ट इट आउट। हमेशा गाड़ी स्टार्ट करके इस तरह के गैजेट्स यूज़ करें ताकि बैटरी पे लोड ना पड़े। अच्छा, मार्केट में आपको एसी डीसी कन्वर्टर जो है गाड़ी के बहुत सारे मिलेंगे डिफरेंट प्राइस रेंज पे, तो ये 2000 का मुझे जो है मिला ऑनलाइन। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले इसको टेस्ट करूंगा मैं। मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसको 2-3% अगर ऊपर बैटरी जाती है उसके बाद जो है लैपटॉप कनेक्ट करके चेक करते हैं। ग्रीन लाइट इसकी ऑन हो गई है, आई होप इसका फैन वगैरह भी ऑन हो जाना चाहिए। सबसे पहले इसको जो है अपने मोबाइल को लगा के चेक करते हैं, तो कनेक्ट तो हो गया ये। अभी मेरी मोबाइल की बैटरी है 92% और ये फास्ट चार्जर मैंने अपने मोबाइल का लगाया है रेडमी का, इसको एटलीस्ट 95% तक चार्ज करके देखते हैं। जैसे इसका फैन चल रहा है, 92 से 93% हो गया है। इस कार डीसी टू एसी इन्वर्टर से एक मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि ये गियर के जो है ना बहुत करीब आ रहा है। आजकल के हमारे मोबाइल के चार्जर भी इतने बड़े बड़े हैं, तो आप गाड़ी जब तक स्टैटिक हो तब तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन गियर लगाते हो आपको यकीनन बहुत मुश्किल होगा। या तो कोई एक्सटेंशन बना के आप लगा लो तो यूज़ कर लो तो वो माइट भी पॉसिबल, वरना दूसरे जो है कार इन्वर्टर का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। 92% से 95% तो ये चार्ज हो गई है इस इन्वर्टर से। अच्छा, लैपटॉप कनेक्ट करते हुए आपने एक चीज़ देखनी है, जैसे मेरा ये चार्जर है इस पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आउटपुट पे मेरा जो है ये 90 वॉट मैक्सिमम है, ठीक है, तो ये 150 वॉट के अंदर हम वाली चीज़ें जो है आप इस पर चार्ज कर सकते हो। ये मैंने प्लग इन कर दिया है और ये इधर भी चार्ज होना शुरू हो गया, 39 से 41% चार्ज हो गया। ये मैं आपको रियल टाइम जो इसकी चार्जिंग बता रहा हूँ जो कि इस इन्वर्टर से चार्ज हो रहा है फ़िलहाल, ठीक है। 43-44 तक चार्ज करने की कोशिश करते हैं ताकि ये वाकई में देर तक चार्ज भी होता है या बस सिर्फ शो करता है। 44% टिल नाउ, 39 पे हमने लगाया था, ये 39 से 44% तक अभी लैपटॉप चार्ज हो गया कार इन्वर्टर से, 45 भी हो गया। आई थिंक इतना टेस्ट करना काफ़ी है। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया, थोड़ा सा ये गर्म हो रहा है थोड़ा सा, अगर ये इसका कूलिंग फैन ना चल रहा हो तो मसला कर सकता है। अच्छा गाइस, अच्छा इसमें मुझे इशू ये आ रहा है कि मैनुअल गाड़ी अगर आपके पास हो तो इसका जो है साइज़ बड़ा है ठीक ठाक, तो अगर आप अपना कितने भी वॉट वाला फास्ट चार्जर लगाते हैं मोबाइल का तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। स्टैटिक गाड़ी में तो आप लगा सकते हैं लेकिन गियर लगाते बहुत मसला होगा आपको। और अगर ये आपको प्रोडक्ट पसंद आई है 2000 रुपीज़ में, तो इतने पैसों में तो मेरे ख्याल से ये अच्छी है। और लैपटॉप भी चार्ज करके मैंने देख लिया, दीज प्रोडक्ट्स आर अंडर 150 वॉट
और अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप इधर बाय कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस एंड अमेजिंग कंटेंट। और अगर आप लोगों को इसके अलावा अगर कोई कार इन्वर्टर लेना है तो इससे अच्छा और अच्छी प्राइस में, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।